आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस प्यार को क्या नाम दो के इस एपिसोड में आप देखोगे कि रात को अर्णव का मूड ऑफ होता है। खुशी उसका मूड ठीक करने के लिए मोबाइल में एक रोमांटिक गाना लगाती है और अर्णव का मूड ठीक करने की कोशिश करती है, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो खुशी पूछती है कि क्या हुआ, आप मुझे बता सकते हैं? तो अर्णव उसकी मॉम के साथ जो अच्छा हुआ उसके बारे में बताता है। तो खुशी इमोशनल होकर अर्णव को हग कर लेती है और सुबह अर्णव खुशी के साथ घर में ही फ्लर्ट करता है, तो खुशी को भी अच्छा लगता है। खुशी कहती है, इस खड़ूस दादी को मेरे से 36 का आंकड़ा क्यों है? तो पायल कहती है, तुझे दादी की प्रॉब्लम दिखती है, पर अर्णव ने जो तेरे लिए सबके सामने लड़ाई की वो नहीं दिखा। तू लकी है जो तुझे अर्णव जैसा पति मिला। तो खुशी अर्णव के ख्यालों में खो जाती है। जब अर्णव रूम में होता है तो खुशी वहां जाकर अर्णव को हग कर लेती है, क्योंकि अर्णव ने खुशी के लिए इतना कुछ किया, उसने अभी तक थैंक्स नहीं बोला। तो अर्णव को भी अजीब लगता है कि अब इसे अचानक क्या हुआ। तो खुशी अर्णव को सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने अर्णव को बचपन के फोटो में बिना कपड़ों के देख लिया। तो अर्णव वो फोटो खुशी से छीनने की कोशिश करता है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं और बेड टूट जाता है। तो काफी हंसी मजाक होता है और खुशी को भी अच्छा लगता है कि अर्णव इतना खुश दिख रहा था। जब घर वाले सब हॉल में बैठे थे तो कुछ लोग अर्णव के रूम के लिए नया बेड लाते हैं। तो मनोरमा पूछते है कि ऐसा क्या खेल रहे थे कि बेड ही तोड़ दिया। तो खुशी को सबके सामने बहुत ही शर्म आती है। खुशी को लगता है कि घर वाले क्या सोच रहे होंगे। तो ऐसे टाइम में भी अर्णव फ्लर्ट करता है। खुशी कहती है, हमने शादी की सब रस्में तो की नहीं। तो अर्णव कहता है, ठीक है, पहले सुहागरात से ही शुरुआत करते हैं। तो खुशी नर्वस होकर वहां से भाग जाती है। तो कहानी चलती रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें।